हरे कृष्णा, सब सबके साथ बैठ जा सब। हरे कृष्णा। और जो एक छोटा माइक था कहाँ गया? छोटा नहीं, जो माइक स्पीकर कहाँ गया? हरी बोल, सबके साथ बैठ जा, सब बैठ जा सबके साथ। ये राधा रानी की कुंज है, वैसे तो ये मत समझो, यहाँ का मिट्टी लग जाएगी। ये मिट्टी को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव तपस्या कर रहे हैं। कहते रात यहाँ की चरण धूल के लिए ब्रह्मा शंकर तपस्या कर रहे हैं। इधर बैठ जाओ, हम यहाँ धूल लगाने के लिए आए और थोड़ा लोड बोर्ड भी जरा यहाँ पर। हरे कृष्ण, जय राधे, जय माधव दई, जय राधे, जय जय गोकुल। हरि बोल। मंडल मोहिते जय राधे, जय माधव दई, जय राधे। अवृत भानु दादे नव सिले की ललिता सची
ప్రభుమాన సర్వర్ కి गुरुदेव भी तो सामने फ्रंट से आने चाहिए ना। सुंदर प्रभु शिष्य रूप आजा इधर आजा। हरे बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी बार हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है मान सरोवर और इसका और एक नाम भी राधा रानी है। कहते जो मान सरोवर है ये प्रेम का एक विशेष नाम है। कहते जो सरोवर देख रहे हो राधा रानी ने मान करके आंखों का आंसुओं से ये पूरा का पूरा ये सरोवर बन गया। ये पूरा का पूरा सरोवर बन गया। आप बोलोगे आंखों का आंसुओं से कभी आंखों से इतना आंसू थोड़ी आती है इतना आंसू थोड़ी आती है। लेकिन कहते नहीं ये हम लोगों के लिए संभव नहीं लेकिन राधा रानी के लिए संभव है। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। जब श्रीमन महाप्रभु कृष्ण प्रेम में नृत्य करते थे महाप्रभु का आंखों से इतने आंसू निकलती थी आसपास का लोग जैसे पिचकारी होता है ना आसपास लोग भीग जाते थे और जहाँ पर महाप्रभु नृत्य करते थे वो इतने आंसू बहती थी वहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो जाती थी एकदम कीच कीच वहाँ पर हो जाती थी। इसलिए हम लोगों के लिए संभव नहीं श्री राधा रानी के लिए संभव है। कहते हैं मान क्योंकि कारण क्या है बोले जिस समय कृष्ण वृंदावन में हम लोग परसों गए होंगे रास मंडल में कृष्ण वहीं पर रास कर रहे थे। रास करते करते जो मान है ना वो विभिन्न कारण से मान होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी मान की भेद बताते हैं। कहते हैं मान कहते हैं किसको कहते हैं मान कहते हैं जब कभी माताएं आप लोग मान किए हो घर में कौन कौन मान करते हो कहते जब मान करती हैं रूप गोस्वामी इसका डेफिनेशन देते हैं जब मान करते हैं वो किसी कारण के लिए तो मान होता है लेकिन अंदर में भावना रहती है हम कब मिले लेकिन ऊपर से ऐसे कुछ कारण आकर पहुंच गया जिससे तो मान पत्नी ने कर ली लेकिन भावना किया पति हमें मनाए फिर हम दोनों मिले। कहते जो मान है कहते ये कि प्रेम विशेष है लेकिन इसी जगत का उसी जगत का परछाई इसी जगत में उसी जगत का जो परछाई है गोलोक वृंदावन में इसी जगत में इसकी परछाई है हैं। इसलिए गोलोक वृंदावन में राधा रानी मान करती हैं इसलिए इसी जगत में भी माताएं कभी कभी मान करती हैं लेकिन उधर का मान इधर का मान में फर्क है। उधर का जो मान है
कहते भक्ति का जो शुरुआत है श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम। यही प्रेम ही जैसे दूध को गर्म करते 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 जैसे राबड़ी बन जाती है, उसी तरह यही प्रेम ही फिर स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग अनुभाव, राग अनुराग भाव और महाभाव। कहते ये जो महाभाव स्वरूपिणी से राधा रानी, इसलिए जो प्रेम है, जो मान है, एक प्रेम विशेष है। लेकिन उधर का जो मान है, गोलोक वृंदावन का जो मान है, वो एक दिव्य मान है, राधा कृष्ण को मिलन कराने वाले हैं। जैसे देखना संसार में कभी मान हो जाता है, दो दिन, तीन दिन, दस दिन तक कभी बात नहीं करते पति पत्नी, लेकिन उसको बाद में फिर जब बात करते ना, देखना कि नया आनंद आता है, उसके बाद में एक नई आनंद आती है। लेकिन उस उधर का मान तो प्रेम विशेष, लेकिन इधर का मान कभी गड़बड़ी हो जाता है। जैसे पत्नियां कभी मान करके बैठी, अगर पति अगर टाइम से उसको मनाए नहीं ना, यही मान ही क्रोध रूप में परिणत होता है। यही मान ही क्रोध रूप में, हमें मनाया नहीं और इतने कभी कभी क्रोध रूप में परिणत होता है, फिर कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। संसार में होता है कि नहीं, फिर कोर्ट कचहरी में जाकर के फिर तो वहां पर लड़ाई झगड़ा फिर वहां करते हैं। लेकिन उधर का जो मान है ना, वो दिव्य मान है, जो कि प्रेम को बढ़ाने वाले उस जगत का मान है, है? इसलिए कहते रूप गोस्वामी कहते जो मान हुई, कृष्ण कभी बंसीवट में रास कर रहे थे, रास करते करते कहते जो मान है, रूप गोस्वामी कहते हैं दो तरह का है। कितने तरह का मान है? हाँ, कहते एक सहेतु की और एक अहेतु की। सहेतु का मतलब होता है किसी कारण को लेकर का मान होता है, और निहोती को होता है बिना कारण से राधा रानी कभी कभी मान कर देती है। कहते जो सहेतु की जो मान, जो कारणों को लेकर के जो मान होता है, रूप गोस्वामी कहते वो भी तीन तरह का है। कितने तरह का है? तीन तरह का है। कैसे? बोले दृष्ट, किस चीज को देख करके मान होता है, किस चीज को देख करके। जैसे कृष्ण रास कर रहे थे, रास करते करते राधा रानी एक सुंदर फूलों की माला बने, और माला कैसे बिना धागा के, ऐसे कुछ फूल होता है बिना धागा के भी वो माला बन जाती है। राधा रानी बड़ी प्रेम से, बड़ी भावना से फूल माला बनाए, बना करके उन्होंने श्याम सुंदर को गला में पहनाए। अभी कृष्ण खुश हो गए। इतने में कृष्ण ने क्या किया, जब राधा रानी से मिलेंगे वो माला बीच में बाधा रूप में नहीं बन जाए, कृष्ण गले से उतारे और किसी पेड़ के ऊपर में माला को लटका दिए। इतने में एक सुग था, तोता, वो तोता ने किया कि वो माला को अपना चोंच में पकड़ करके इतने में आकाश में उड़ गया। जब उड़ते हुए जा रहा था, इतने में चंद्रावली, कहते कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ दो सखी है राधा रानी और ये चंद्रावली। राधा कहते जो चंद्रावली इनका एंटी पार्टी है, इनकी विरोध पार्टी है। इतने में जब वो माला को उन्होंने देखा, ये लेकर के तोता जा रहा है, चंद्रावली ने वो तोते को बुलाया, बोले इधर आओ, और उनको अनार दाना की लोभ दिखा करके वो जो कृष्णा की प्रसादी माला को उसने लिया और अपना जो खोपा में, अपना चोटी में बड़े सुंदर रूप में उसने श्रृंगार कर दिया। थोड़ी देर बाद में ललिता सखी देखती हैं, भैया ये माला तो राधा रानी ने बना कर कृष्ण को पहनाया था, लेकिन ये माला ये चंद्रावली का खोप में कैसे आ गया, इसे केस में कैसे आ गया। उसको देख करके तो ललिता राधा रानी को बोले, देखो राधे, तुमने कितना प्रेम से माला बनाया, लेकिन देखो माला कहाँ भरे, चंद्रावली की चोटी में। बस राधा रानी देखते ही, राधा रानी को तो बड़ा मान आ गया, मैंने इतने प्रेम से बनाया और मैंने बनाया उसको देने के लिए, है मतलब कृष्ण अंदर अंदर से उसको प्रेम करते हैं, माला मेरी और उसको खोप में आ गई। इतने में राधा रानी मान करती, कहते इसी कारण से भी ये मान हुई। और कभी कभी कृष्ण रास करते करते राधा रानी ने देखा, कभी कृष्ण दूसरे गोपियों को गले पर हाथ लगाकर नृत्य कर रहे हैं, तभी राधा रानी मान की। इसलिए हम जहाँ पर मठ में रहे ना, वहाँ पर चार गली है, दान गली, मान गली, कुंज गली, जमुना गली। इधर इस तरफ में जो गली आई ना, वो गली का नाम मान गली है। राधा रानी उसी गली से होते हुए आई और आ करके यहीं पर आ गई, और इतने रोई, रो रो करके उन्होंने ये जो सरोवर है ना, ये पूरा ये समान सरोवर बन गया, पूरा का पूरा सरोवर बन गया है, हैं? इसलिए इसका नाम कहते हैं मान सरोवर। इसलिए कहते हैं दृष्ट, दृष्ट मतलब होता है देख करके, इसको देख करके मान हुई है। कभी कभी अनुमित, अनुमित मतलब था अनुमान करके, बोले अनुमान कैसे, जैसे राधा रानी कभी कुंज बनाई है, अभी राधा रानी सुंदर कुंज बना करके बैठी हुई, श्याम सुंदर आएंगे अपना, कल बता रहे थे ना कृष्ण के तीन तरह का तोते हैं, बोले एक बिचे खण तोता,
एक सुभा और एक है मंजूभाषी। मंजूभाषी मतलब जो बड़ी मीठी शब्द बोलती है। तीन तरह का एक तोता है, कुछ ऐसे तोता जो आकाश में घूमते रहते हैं, ये कृष्ण कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये राधा रानी का तोता ये सब कुछ एक एक खबर श्री राधा रानी के देती है। इतने में अभी एक दिन राधा रानी कभी कुंज बनाई, कृष्ण बोला आ करके मैं मिलूंगा। अभी कृष्ण गोचारण करने के लिए आते हैं, कहाँ आते हैं, कुसुम सरोवर पर आए। जब कुसुम सरोवर पर आए कृष्ण वहां पर बहाना बना देते हैं, अभी मैं किसी विशेष काम में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं आ जाऊंगा। अभी कृष्ण तो आ ही रहे थे, लेकिन आते आते क्या हुआ, इतने में चंद्रावली का जो सखी, जैसे यहाँ पर राधा रानी कुंज बनाई, उनको दो विशेष सखी, चंद्रावली का सखी भी, चंद्रावली भी बड़े सुंदर कुंज बनाकर बैठी हुई, श्याम सुंदर आएंगे। अभी उनकी सखी एक पद्मा है, उन्होंने वो भी